राजस्थान वीर योद्धियों की कहानियां ही नहीं बल्कि मंदिरों नूं लैके भी भारत ही नहीं पूरी दुनिया विच पहचान रखता है। अजिहा ही एक सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग मंदिर है जिथे त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है जो कि कई मामलों में अनोखा भी है। इतने गणेश जी की पहली त्रिनेत्र वाली मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर जयपुर तो 150 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर की रणथंभौर किले के अंदर स्थित है। इस मंदिर के नाम तो ही पता चलता है कि मंदिर में स्थापित गणेश जी दी तीन अखां हन। यह पहला मंदिर है जिस विच भगवान दी दोवें पत्नियां रिद्धि सिद्धि अते पुत्र शुभ लाभ दे नाल उन्हां दा पूरा परिवार विराजमान है। ये स्वयं प्रकट मूर्ति है। पीछे पहाड़ पहाड़ में से निकले हुए हैं। रिद्धि और सिद्धि दो वाइफ हैं, दो लड़के हैं, शुभ लाभ तीन नेत्र हैं भगवान के। नीचे मूसक वाहन है, भगवान का मंदिर है, ये हजारों वर्ष पुराने हैं भगवान। उत्थे ही एक मानता मुताबक द्वापर युग विच भगवान कृष्ण का विआह रुक्मणी नाल होया सी, पर इस विआह उत्ते श्री कृष्ण जी गणेश जी सद्दा देना भुल गए। मंदिर के इतिहास पे नज़र डालें तो आप बता दें कि ये द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब रुक्मणी के साथ विवाह तय हुआ था तो इस विवाह में गणेश जी को निमंत्रण करना भगवान कृष्ण भूल गए थे और परिणाम यह हुआ कि जब उनका विवाह का रथ रुक्मणी जी की और जब जा रहा था तो रथ के पूरे आगे पीछे चूहों ने बिल कर दिया और रथ के पहिए बैठने लग गए। तब वहाँ जाकर के नारद जी ने बताया उन्हें कि देखिए आप गणेश जी को कहाँ हैं, गणेश जी को निमंत्रण किया कि नहीं। तो उस दौरान जो है गणेश जी को ही निमंत्रण किया था और गणेश जी को निमंत्रण नारद जी ने बताया तब भगवान कृष्ण प्रायश्चित करके गणेश जी सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश को निमंत्रण किया और उसके बाद उनके रथ चल पाए। एक इतिहासिक पक्ष ये भी है कि इतने महाराजा हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी के विचकार सन 1299 तो 1301 रणथंभौर में युद्ध भी होया सी, जिस तो बाद भगवान श्री गणेश ने राजे के सुपने विच दर्शन दे के सारिया मुश्किलों नूं हल करन दा कहा सी। रणथंभौर में जो युद्ध हुआ था उसमें दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों को सैनिकों ने दुर्ग के चारों ओर घेर लिया था और ऐसे में महाराजा को सपने में भगवान त्रिनेत्र गणेश दिखाई दिए और उन्हें एक आकाशवाणी हुई कि आप त्रिनेत्र गणेश जी की पूजा करिए। तो त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ हैं, तब वो सुबह उठे तो उन्होंने त्रिनेत्र गणेश जी दिखे और उसके बाद में उन्होंने त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर में जाकर के पूजा अर्चन की फिर वो सफल। त्रिनेत्र गणेश मंदिर की सब तो खास गल ये है कि बप्पा दे भगत चिट्ठियां लिख के अपनी मनोकामना पूरी करवाने लिए अर्जी देंदे ने। डाकिया चिट्ठी लैके पहुँचता है जिस उत्ते लिखा होंदा श्री गणेश रणथंभौर का किला जिला सवाई माधोपुर राजस्थान, जिस तो बाद उन्हें चिट्ठियों को श्री गणेश जी के चरणों में रख दिया जाता है। यहाँ पर दूर दूर से निमंत्रण और जो किसी का कोई संतान नहीं होती है तो वो भी आते हैं, जिनके नौकरी है प्रमोशन है, यानी तमाम दुनिया भर के जितने भी कार्य हैं सब भगवान गणेश जी महाराज करते हैं। जो भक्त अपनी मन्नत लेकर के आते हैं उनकी पूर्ण होती देखी है हमने। तो भगवान श्री गणेश जी के दर्शन मात्र से ही दुनिया भर के संकट दूर हो जाते हैं। यह मंदिर विश्व विरासत में शामिल रणथंभौर दुर्ग के अंदर बनया हुआ है। इतने पहुँचने लिए सब तो वधिया साधन है रेल, इतने बस राही भी पहुँचा जा सकता है। हवाई जहाज राही आने लिए पहले जयपुर आना पवेगा, इस तो बाद सवाई माधोपुर जिथों मंदिर जाने लिए हर समय वाहन उपलब्ध रहते हैं। देश के दे चार पुरातन गणेश देव मंदिर ने, उन्हां विचों रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर सब तो पहला मंदिर है। इस मंदिर तो इलावा सिद्धपुर गणेश मंदिर गुजरात, अवंतिका गणेश मंदिर उज्जैन और सिद्धपुर सीहोर मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसलिए इस मंदिर को भारत का ही नहीं विश्व का पहला गणेश मंदिर मनिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV भारत पंजाब।